नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है किंगडम मुनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई को पढ़ाऊंगी। मैंने इससे पहले जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था उसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन में मैंने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाए थे। 5 किंगडम सिस्टम में मैंने बताया था मुनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमलिया। उसी में से मुनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई को आज हम पढ़ेंगे। आज की जो मेरे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम मुनेरा को लेंगे। तो मुनेरा मैंने आपको बताया था ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे पहले देखा गया था, जो कि इसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप सेल होती है। ये जो होता है इसका जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया। इस चैप्टर में मुनेरा के अंदर हम मेनली जो आपकी कोर्स में दे रखा है वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका रिप्रोडक्शन, ये सब इसके चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। यानी कि बैक्टीरिया के बारे में ही इसमें सबसे ज़्यादा बताया है। दूसरा है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर शेप में होता है। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, राइबोसोम होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और भी जो लाइसोजाइम और ये सब जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स में, तो इसके अंदर राइबोसोम और क्रोमेटोफोर्स ही पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है इसके अंदर 70S का पाया जाता है। अगर हम इसके मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की देखें तो ये एरोबिक और एनोरोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। ये कभी कभी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं। जिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेटिक फॉर्म में ले लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल के थ्रू भी अपना खाना बना लेते हैं। इसके अंदर जो इनकी जो वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और ये जो होते हैं ये इसके सब मेन कैरेक्टर आपको मैंने आपको जनरल कैरेक्टर जो हैं किसके मुनेरा के बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे बात करें कि इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इसका है साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पर मेनली हम जो इसके अंदर जैसे कि माइकोप्लाज्मा, पर मेनली हम इसके अंदर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो हम मुनेरा के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स की बात करें तो ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ये हॉट स्प्रिंग जिसको हम थर्मो एसिडोफिलस या फिर सल्फर रिच डिप सी वेंट्स मेथेनोजन जिनसे बोलते हैं, इनमें सर्वाइव करता है। ये इसकी जो वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन या प्रोटीन की इसकी वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो काओ या बफोलो की गट्स के अंदर पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में और सीवेज ट्रीटमेंट में। तो ये तो कैरेक्टर्स हुए हमारे आर्के बैक्टीरिया के। क्या क्या है कि जैसे कि ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसकी, और ये थर्मो एसिडोफिलस होते हैं और मेथानोजन जिन्हें कि सल्फर रिच डीप सी वेंट्स बोलते हैं, ऐसे कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। ये इनके अंदर इनकी वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होते। इनकी वॉल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन और नॉन पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं। मेथेनोजेंस जो होता है वो काओ और बफेलो के गट्स में प्रेजेंट होते हैं, और मेथेनोजेंस जो होते हैं वो बायोगैस प्रोडक्शन और सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अगला आ जाता है हमारा यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं।
तो आर्किबैक्टीरिया की बाद अगर हम बात करें तो बात आती है हमारी नेक्स्ट टाइप, वो है हमारे यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इनकी सरफेस के अंदर एक मीडियम होता है जिसे हम बोलते हैं सैप, जो कि एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, या फिर ये अपना खाना ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म में बनाते हैं। अगर इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, कैरेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अगर इनके जो इनका फूड जो होता है वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में, साइनोफाइसिन, स्टार्च, लिपिड, ग्लोब्यूल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इनका फूड जो है वो स्टोर रहता है। तो ये हुई बात हमारे यू बैक्टीरिया की। नेक्स्ट टाइप है हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसके फॉर्म में, एरोबिक फॉर्म में। किसकी हेल्प से, एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से। अगर इसका दूसरा कैरेक्टर देखें तो इसमें आता है कि ये एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के जो ऑक्साइड जैसे कि N2, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ ATP। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर मिनरल्स को। तो ये तो कैरेक्टर हुए हमारे किसके, साइनो बैक्टीरिया के। इसके बाद कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनका क्या काम होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो कर्ड है वो मिल्क से बन जाती है, वो भी पैरासिटिक बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमने में मदद करता है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है, वो एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है। दूसरा अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल ये हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होते हैं, जो उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा इस चैप्टर के मोनेरा का इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है और उसके जो टाइप हैं, जो उसके अंदर जो जो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। नेक्स्ट के कल के वीडियो में कल मैं आपको बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करूँगी। तब आज के लिए थैंक यू।